केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कल्याण कर्नाटक के 7 जिलों की संरचनात्मक प्रगति को विशेष प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है, जो कर्नाटक राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और इसे संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कर्नाटक राज्य का बीदर जिला सबसे पिछड़े उपेक्षित जिलों की सूची में शामिल है। बीदर एक सीमावर्ती जिला कल्याण कर्नाटक के जिलों में से एक है, जिसे अनुच्छेद 371J संशोधन के तहत विशेष दर्जा मिला है, जिसे दशकों से विभिन्न सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है, जहां विकास एक मृत तृष्णा बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार निम्नलिखित मांगों पर समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया देने और लागू करने को विशेष प्राथमिकता देती है। हमारी पहचान हमारी पहचान का प्रतीक कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति की ओर से अम्बेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। बीदर जिले के सभी जो है कल्याण कर्नाटक का ये हमारा 6-7 डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ापन है। ये पिछड़ापन जो है वैसा भी जो हमारा लीडर जो है इसको आवाज़ उठाना, अब जो अधिवेशन चल रहा बेंगलोर में अधिवेशन चल रहा और जो विधानसभा में ये हमारा 40 MLA जो भी है ये आवाज़ उठाना, 371J बोल के क्या है, क्या स्टडी करना, स्टडी करके जो उसमें अब प्रत्येक का मंत्रालय होना, मंत्रालय अभी तक जो 10 साल हो गए अभी तक ये हम कंपर अनएम्प्लॉयड हो गए, पूरा जो निरुद्योग हो गए, निरुद्योग का जो भी अपॉइंटमेंट है 371J में जितने भी लोग जो है अपॉइंटमेंट होने के जो आशा रखे हैं 10 साल में जो जितने भी अपॉइंटमेंट लेने को तैयारी नहीं है, इसलिए हर एक इलाके में हर एक इसमें जो है बहुत खाली है। हमारे बच्चे जो है बहुत जो है बेंगलोर उधर हैदराबाद बम्बई जो है करने के वास्ते जा रहे हैं, अच्छा इंडस्ट्रियल होना और जो IIT कॉलेज होना बीदर जिले को, और जो तमाम लोग जो है जमीन जो चले गए कारंजा डैम में, जो है हमारे किसान लोग जो है 28 गाँव के जो भी ये है बहुत नंबर वन A1 ग्रेड जमीन जो है चले गया, ये A1 ग्रेड जमीन में जो है मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला, जो अनपढ़ लोग थे हम किसान जो है उनको जो है पाप जो है बेचारे है उन्होंने जो क्या भी जो कंडीशन नहीं डाले सरकार जो जमीन दे दिए उनको जो है मालूम नहीं है ये जो है हमारा जमीन चले जा रहा हम कैसा जीना कैसा खाना ये कोई भी नहीं बोले। अब जो हम के लीडर जो है कोई भी जो है आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है और जो नए MP बने और जो सागर खंडे साहब और जो उनको चुना के जो ये भेजे और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंडे भी जो जिम्मेदारी लेके दोनों जो जिम्मेदारी लेके हमारा कारंजा का जो भी है इतना दिन जो है 746 दिन हम जो बैठे धरना और आते धरने जो है प्रियंका गांधी भी जो हमारा आश्वासन दिए सब जो है मुख्यमंत्री जो हमारा जो सिद्धरामैया भी भरोसा दिए और DK शिवकुमार जो अभी सब मीटिंग बुलाते बोले अब अधिवेशन में जो है हमारा जिले के जो जितने भी शासक है हमारे जो मंत्री है आवाज़ उठा के बीदर जिले को जो अच्छा ये करना और जो कल्याण कर्नाटक में जो भी समस्या है उसको जो है उलझाने के लिए और ये इसके बारे में जो है हमारा भाग के हमारे कल्याण कर्नाटक जितने भी समस्या है उनको जो आवाज़ उठा के हम एकता बोल के हमको जो है ये करके न्याय दिलाना और जो यहाँ के जो गरीब लोग बच्चे हैं गरीब लोग है बहुत जो किसान है सभी को जो है न्याय मिलने के सरकार यहाँ के हमारा जो सभी जो है MP जो है 5 MP चुन के कल्याण कर्नाटक के ये इस भाग के 5 MP को चुना के गए। इसके बारे में जो रेलवे के जितने समस्या हो किसानों का समस्या हो और जो हल्के का शुगर फैक्ट्री पड़ा और जो तुम लीडर बन के जो है कई कई वास्ते जो MLA बन के जा रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम जो है इतना जो है 371J में जो तो बजट डालने को लगाओ वो फैक्ट्री चालू करने को लगाओ 5000 करोड़ है उसमें जो अरे हमारे कारंजे वालों को पैसा देने को ये करो कोसा भी जो डाइवर्ट करने को जो ये हक जो है सबको है तुम्हारा जो दिल में करना है तो जो शुगर फैक्ट्री चालू होता कारंजे का समस्या भी हल होता सभी होता मगर जो करने का दिल नहीं है फालतू बजट जो है फालतू जो है पैसा खर्च करके फालतू ये कर रहे इसलिए जो है ये हमारा जो भी समस्या है IIT का बीदर जिले को जो है तो बच्चों को जो है यहाँ के जो लोकल के लोगों को मिलता और इंडस्ट्रियल जो है बाहर जो है खेत वो छोड़ के जो है बेंगलुरु हैदराबाद बम्बई जो है बच्चे चले जा रहे हैं जैसे जो है इंडस्ट्रियल हुए तो जो है जॉब करके जो है यहाँ लोकल में जो है जमीन फमीन जो कुछ तो देखते रहते हैं बच्चे देख 10-15 हज़ार लोगों को जो है एक रोजगार मिल जाए तो जो है अच्छा जो है ये होता बोल के मैं ये गुजारिश करता हूँ। ये हमारा पूरा जो है होराड कल्याण कर्नाटक होराड समिति तरफ से और जो बीदर जिले के सभी जो है संगठन का सभी ये करके
जो है आज मनवी दिए जिला अधिकारी को, जो है प्रधानमंत्री को इधर जो है आवाज़ उठा के जो है इधर देखना पड़ता क्या मतलब ये कल्याण कर्नाटक हमारे कर्नाटक से बहुत पिछड़ापन है। हम अगर इतना ये है नंजुड़प्पा वर्दी के हिसाब से जो ये करे तो वर्दी जो है क्यों जारी नहीं कर रहे, या हमारा भाग के जो है अगर जो है दुम्मा मैसूर मंडा जो है वो लोग जो है अगर मुख्यमंत्री बन रहे इसलिए हमको अन्याय हो रहा। अगर हमारा इसमें अगर जो है अलग जो है मांगना पड़ता है आगे दिन इसलिए सिद्धरामैया को बोल रहे और जो डी के शर्मा को जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब को हम बोल रहे हैं, हम जो है ऐलान कर रहे हैं कि जो है हमारा समस्या कल्याण करने का समस्या हल करो। आज जो है इसके जो है बजट जो है आप जो है कल्याण प्रधानमंत्री बजट ये कर रहे हैं इसके बारे में कल्याण कर्नाटक को जो है आज जो है क्यों बोलते तुम्हारा 5 MP जो है हार गए क्यों हार गए जरा आप सोची के इधर जो है इधर का समस्या देख के जो है इधर का हल करने के लिए कोशिश करना। और जो है कर्नाटक के हमारा जो है मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं कि जो है हमको जो है न्याय दिलाना, हमारा भाग के जो भी समस्या है वो भी जो है न्याय दिलाना बोल के गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। चंद्रशेखर पाटिल कारण जो वोटर समिति सर इवत्तु कल्याण कर्नाटक होराट समिति बीदर शाखे वतियिंद केंद्र सरकार हागू राज्य सरकार के केलवु बेडिकेगळ बग्गे ओत्ताय माडलु नावु इल्ली एल्लरू सेरिद्देवु। ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 371ನೇ ಜೆಕಲ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ, ಇದರ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಆ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗುವುದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು। ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು IIT ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ